दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी को लेकर 9 विपक्षी नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक चिट्ठी लिखी है और इन नेताओं में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी शामिल है। चिट्ठी में लिखा गया है कि मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी ये दिखाती है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश से तानाशाही शासन में तब्दील हो गया है। दरअसल शनिवार को राउच एवेन्यू कोर्ट में सिसोदिया की पेशी हुई थी। यहां उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई होनी थी, लेकिन कोर्ट ने 10 मार्च तक के लिए जमानत पर फैसला सुरक्षित रख लिया है और सीबीआई को उनकी 2 दिन की रिमांड और दे दी है। वहीं विपक्ष ने जो चिट्ठी प्रधानमंत्री को लिखी है उसमें लिखा है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी, हमें भरोसा है कि आपको आज भी लगता है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है। विपक्षी नेताओं के खिलाफ केंद्रीय एजेंसियों का मनमाना इस्तेमाल ये दिखाता है कि हम एक लोकतंत्र से तानाशाही में तब्दील हो गए हैं। लंबी तलाश के बाद 26 फरवरी 2023 को मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया। कथित तौर पर गड़बड़ी के आरोप में यह गिरफ्तारी की गई और वो भी बिना कोई सबूत दिखाए। सिसोदिया जी के खिलाफ लगाए गए आरोप पूरी तरह से बेबुनियाद हैं। ये राजनीतिक षड्यंत्र के तहत की गई कार्रवाई है और इस गिरफ्तारी ने पूरे देश की आवाम को गुस्से से भर दिया है। आपको बता दें कि चिट्ठी लिखने वाले में बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, बीआरएस चीफ चंद्रशेखर राव, पंजाब के सीएम भगवंत मान, राजद नेता तेजस्वी यादव, नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडर फारूक अब्दुल्ला, राकंपा चीफ शरद पवार, शिवसेना ठाकरे ग्रुप के चीफ उद्धव ठाकरे, सपा चीफ अखिलेश यादव शामिल हैं। देखिए, देश के 9 बड़े विपक्षी नेताओं ने, जिसमें 4 सिटिंग चीफ मिनिस्टर्स हैं, 4 फॉर्मर चीफ मिनिस्टर्स हैं और 1 सिटिंग डेप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, इन 9 बड़ी हस्तियों ने आज माननीय प्रधानमंत्री जी को एक खुला पत्र लिखा है और उस पत्र में ये बात पूरी मजबूती से माननीय प्रधानमंत्री जी के सामने रखी है कि हमारा देश आज भी एक लोकतंत्र है, लेकिन इस लोकतंत्र की जो बुनियाद है उसे लगातार हिलाए जाने की कोशिशें की जा रही हैं। कैसे आज अपने सियासी प्रतिद्वंद्वी पर सीबीआई ईडी का प्रहार करके, तमाम एजेंसियों का प्रहार करके उन्हें पकड़ पकड़ के जेल में डाला जा रहा है, और ये किसी एक पार्टी तक सीमित नहीं है, तमाम पार्टियों के जो भी विपक्षी दल मजबूत होता नजर आता है, ईडी सीबीआई उसके घर पहुंच जाती है, उसे दबोच कर जेल में डाल देती है और फिर महीनों सालों उसकी बेल नहीं होती। क्या कहना इस पूरे मामले? देखिए, अगर वो एक जिम्मेदार पद पे अगर वो ऐसा कर रहे हैं, इसको सिर्फ पॉलिटिकली दरकिनार नहीं करना चाहिए। इन एजेंसीज की कार्यशैली हमने बहुत करीब से देखी है। अब इन एजेंसीज की स्वायत्तता रही नहीं, ये पराधीन है। और पराधीन भी क्या कहूँ, ये केंद्र की सत्ता के अधीन है। केंद्र की सत्ता के अधीन अगर संस्थाएँ हों और विपक्ष के नेताओं पर, विपक्ष के दलों पर ही 24 घंटे सातों दिन काम करना उनका एजेंडा हो, तो स्वाभाविक रूप से चिंता बहुत होती है। नहीं, ठीक है, विपक्ष अपनी बात कह रहा है, लेकिन देखिए बात यह है कि अगर क्या इसमें घोटाला नहीं हुआ है, मैं ये पूछना चाहता हूँ। सीबीआई क्या करती है क्या नहीं करती है वो अलग बात है। हम लोग भी मानते हैं सीबीआई ईडी जो है राजनीतिक प्रभाव में भी इस देश में काम करती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन बात क्या, हर केस में राजनीतिक प्रभाव में क्या काम कर रही है, बल्कि इसमें तो उल्टा है। तो कई महीने पहले इनको गिरफ्तार कर लेना चाहिए था। हमारा तो ये कहना है कि दिल्ली में सबको पता है कि ये घोटाला हुआ है, कोई ऐसा नहीं है जिसको नहीं पता है। तो जब मालूम है घोटाला हुआ और उसमें कोई अगर पकड़ा जा रहा है, तो फिर ये राजनीतिक प्रताड़ना का सवाल नहीं बनता है। कि आज कि यह वो पार्टियां हैं जिन्होंने संवैधानिक पदों पर बैठकर भ्रष्टाचार को अपना अधिकार मान लिया था और आज उस अधिकार से उपजा हुआ अहंकार इस सीमा तक पहुंच गया है कि वो जांच से भी इनकार कर रहे हैं। यह दुखद विषय है कि जांच एजेंसियों को और देश की व्यवस्थाओं को धमकाने का प्रयास किया जा रहा है। तो इस खबर में तमाम जानकारी के साथ मेरे सहयोगी राजीव तिवारी इस वक्त दिल्ली से मेरे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव, सिसोदिया केस में 9 विपक्षी नेताओं ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी है, इस चिट्ठी की प्रमुख बातें क्या क्या हैं, एक बार पूरी जानकारी।
देखिए यहाँ पर बात करें, लगातार कहीं ना कहीं पहले केंद्र सरकार के ऊपर हमला बोला जाता है और लगातार ये कहा जाता है कि सीबीआई और ईडी का इस्तेमाल किया जा रहा है, और अब जिस तरीके से विपक्ष की तरफ से कहीं ना कहीं नौ नेताओं ने जिस तरीके से पत्र के अंदर बिल्कुल कहा है कि प्रधानमंत्री जिसके अंदर संज्ञान ले, और जिस तरीके से जांच एजेंसियों का इस्तेमाल किया जा रहा है, झूठे केसों के तहत कहीं ना कहीं नेताओं को गिरफ्तार किया जा रहा है, इस तरीके की गिरफ्तारी जो है वो नहीं होनी चाहिए। अगर कोई तथ्य है तो उसको कहीं ना कहीं रखना चाहिए, मगर यहाँ पर जिस तरीके से लगातार जिस तरीके से मनीष की गिरफ्तारी हुई है या फिर कहें सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी हुई है, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी जो है वो अब कहीं ना कहीं हमलावर होती हुई नजर आ रही है। जी राजीव, जिस तरीके से देखा गया कि इन विपक्षी नेताओं में बहुत बड़े बड़े जो लीडर हैं, विपक्ष के बड़े बड़े जो लीडर हैं वो शामिल है, क्या कहा जा सकता है कि एक साथ इस तरीके की चिट्ठी देना विपक्षी एकता की ओर इशारा है? देखिए यहाँ पर बात करें जिस तरीके से विपक्षी नेताओं की, तो विपक्ष की नेताओं की तरफ से बिल्कुल लगातार इसी मुद्दे को लेकर जांच एजेंसियों के ऊपर कहीं ना कहीं सवाल खड़ा किया जा रहा है कि केंद्र सरकार के इशारे पे काम कर रही है, और लगातार कहीं ना कहीं कांग्रेस की बात करें, आम आदमी पार्टी की बात करें, तो उनकी तरफ से भी लगातार कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के ऊपर हमला बोला जा रहा है, और इसी को लेकर आज कह सकते हैं आम आदमी पार्टी जो है वो डोर टू डोर अभियान भी कर रही है, जिसके अंदर लोगों को जागरूक करने का काम किया जा रहा है, लोगों को ये समझाने की कोशिश की जा रही है कि जिस तरीके से लगातार कहीं ना कहीं गिरफ्तारी की जा रही है झूठे केसों के तहत जा रही है, और यहां पर जिस तरीके से लोगों को जागरूक करने के साथ साथ यह भी कोशिश की जा रही है कि केंद्र सरकार जानबूझकर कहीं ना कहीं झूठे केसों के अंदर नेताओं को गिरफ्तार करवा रही है, दूसरा यहां पर जिस तरीके से जांच एजेंसियां हैं उनका भी गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। मगर यहाँ पर जिस तरीके से आप पत्र लिखा गया प्रधानमंत्री मोदी जी को, और उसके अंदर किया प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ से क्या संज्ञान लिया जाएगा और क्या कदम उठाया जाएगा, ये प्रधानमंत्री मोदी जी के ऊपर निर्भर करता है। मगर यहाँ पर जिस तरीके से विपक्ष जो है वो कहीं ना कहीं जांच एजेंसियों को लेकर लगातार कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के ऊपर हमलावर होता नजर आ रहा है। जी राजीव, अभी तक इस चिट्ठी का कोई आंसर जो है सामने आया है? अगर बीजेपी की बात कर लें, जिस तरीके से लगातार जो है ये चिट्ठी लिखी गई है और ऐसे में लगातार रिएक्शन आने भी शुरू हो गए हैं विपक्षी पार्टियों के, तो ऐसे में बीजेपी की तरफ से अपना स्पष्टीकरण कुछ दिया गया है? देखिए यहाँ पर बात करें विपक्ष की, तो विपक्ष की तरफ से लगातार कहीं ना कहीं इस मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार को घेरा जा रहा है, लगातार ये कहा जा रहा है कि जांच एजेंसियों का गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है, जिस तरह से बात करें जो पत्र लिखा गया है उसके अंदर भी नौ नेताओं के कहीं ना कहीं हस्ताक्षर है, तो सीधे सीधे कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश की जा रही है। मगर यहाँ पर बात करें जांच एजेंसियों की, सीबीआई की बात करें, ईडी की बात करें, इनकम टैक्स की बात करें, तो उनको लेकर भी कहीं ना कहीं अब सवाल खड़े हो रहे हैं, मगर यहाँ पर केंद्र सरकार यानी भाजपा की तरफ से भी कहीं ना कहीं जवाब बिल्कुल आ रहे हैं, और लगातार ये कहा जा रहा है कि जो सीबीआई के पास मनीष चौधरी के खिलाफ जो केस है उसके अंदर उनके पास सबूत है, और लगातार सबूतों के आधार पर ही उनको गिरफ्तार किया गया है। विपक्ष की बात करें, कांग्रेस के जो कुछ नेता अभी तक कहीं ना कहीं कस्टडी के अंदर है उनके ऊपर भी कहीं ना कहीं सबूत है, इस तरीके की जो बातें हैं वो बिल्कुल सामने आ रही है। और विपक्ष की बात करें या फिर सत्तारूढ़ पार्टी की बात करें, तो दोनों ही तरफों से कहीं ना कहीं आरोप प्रत्यारोप जरूर देखने को मिल रहे हैं, मगर यहाँ पर जांच एजेंसी के ऊपर सवाल जरूर खड़ा किया जा रहा है। जी चलिए राजीव, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।